नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और चलिए आपको दिखाते हैं खबर दिनभर के इस बुलेटिन में बड़ी खबर, जो कि छतरपुर शहर से है, जहां पर लिपिक कर्मचारियों ने अपनी मांग को करवाने के लिए कई अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं इन्होंने अब हड़ताल प्रारंभ कर दी है, बल्कि हड़ताल ही नहीं, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए एक रैली को भी निकाला गया। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ कहानी है इनकी। मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर आखिरकार हड़ताल पर चल ही गए। सरकार से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन रमेश चंद्र वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 23 जुलाई से लिपिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सभी ने हड़ताल पर जाने का सूचना पत्र कलेक्टर को भेज दिया है। वहीं मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सक्सेना ने बताया कि अपनी मांगों के लिए उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, तभी 20 जुलाई को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ में मशाल जुलूस भी निकाला गया। इसके बाद भी शासन में चेतना का संचार नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इन कर्मचारियों को जाना पड़ा। वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, कोषालय, महिला बाल विकास विभाग, तहसील REES, PWD, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के लिपिक भी साथ में हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जो है एक ही मांग है, वेतन प्रसंगति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में। उन्होंने जो है हमारी वेतन प्रसंगति को जायज मानते हुए 23 अनुशंसाएँ की हैं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज दिनांक तक आदेश प्रसारित न होने पर प्रांतीय आह्वान पर दिनांक जो है 23 जुलाई 2018 से हम सभी लिपिक कर्मचारी साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा हर कार्यालय में संपर्क चल रहा है और हड़ताल की सूचना बाबत एक सूचना पत्र भर करके कार्यालय प्रमुखों को दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारी मांग का आदेश शीघ्र प्रसारित करने की कृपा करें, ताकि हम सभी लोग अन्य संवर्गों की भांति हमारी। नमस्कार दर्शकों, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आइए आपको दिखाते हैं खबर दिनभर के इस बुलेटिन में छतरपुर शहर से जुड़ी खबर, जहां पर मजदूर संघ के स्थापना दिवस के रूप में छतरपुर शहर के ऑडिटोरियम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके साथ में श्रम कार्ड भी वितरित किए गए। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। छतरपुर के स्थानीय किशोर सागर तालाब के पास स्थित ऑडिटोरियम में भारतीय मजदूर संघ का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ललिता यादव रहीं, वहीं अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि स्वदेशी अभियान मंच की अध्यक्ष दीप्ति प्यासी व मजदूर संघ के विभाग प्रमुख हरेंद्र सिंह चंदेल मौजूद रहे। मजदूर संघ ने स्थापना दिवस पर जहाँ प्रतिभाओं को सम्मानित किया, वहीं मजदूरों को श्रम कार्ड भी वितरित किए। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गिरजा पाटकार ने बताया कि संघ के 63वें स्थापना दिवस पर भवन एवं सन्निर्माण कार्यक्रम मंडल के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों और मजदूरों को श्रम कार्ड वितरित किए गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने मानदेय बढ़ाए जाने पर राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी जताया। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने लंबे समय से कार्यालय बनाने की मांग की थी, जिसे पूरा किया गया है। जल्द ही कार्यालय बनने की भी बात कही। इस मौके पर उपाध्यक्ष विमल जैन, जिला मंत्री प्रेम सिंह, विनोद सैनी के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष संध्या त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज भारतीय मजदूर संघ ने 63वां स्थापना दिवस ऑडिटोरियम हॉल में मनाया है और इस कार्यक्रम में खास तौर से हमारी नगर की प्रदेश की राज्य मंत्री ललिता यादव जी और नगर की अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी सिंह जी मौजूद रही हैं और इस कार्यक्रम में हम उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने का हम लोगों को अवसर मिला है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई थी गरौली में और पनोठा में, और इसके अलावा ऐसे रक्तवीरों को भी सम्मान किया है। और साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह जी ने बढ़ाया था,
उसके लिए धन्यवाद पत्र भी आज श्रीमती ललिता यादव जी के माध्यम से हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने और भारतीय मजदूर संघ ने उनको धन्यवाद पत्र सौंपा है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत देरी रोड निवासी नीति करोसिया। जब घर में अकेली थी तो अज्ञात कारणों के चलते नीतू करोसिया ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पदार्थ खाने की कारण से वह जाकर बेहोश हो गई और तत्काल ही परिवार के लोगों ने जब बेहोशी हालत में उसे देखा तो पास में जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ था। तो तत्काल ही परिवार के लोगों ने शक के आधार पर इसे जिला अस्पताल लाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से हालत बिगड़ने के कारण इसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। अभी भी कारण अज्ञात है। पता नहीं, हम लोग तो काम कर रहे थे घर में, हम लोग छुट्टी जा रहे थे, हवाई जे फोर्स में छुट्टी जा रहे थे हम लोग। पता नहीं कैसे खा गए, पता नहीं चला, कुछ विवाद भी नहीं चला। कल तो जी खुद एडमिट है, हमने फैली हुई देखी बात। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सटई रोड पर जब संजू कुशवाहा बाइक पर सवार होकर एक लड़के को साथ में बैठाकर जब आ रहा था, उसी दौरान तेज बारिश होने की वजह से वह भीग न जाए, जिस कारण उसने तेज रूप में बाइक चलाई और बाइक चलाते चलाते वह बाइक जाकर फिसल गई तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा और परिवार के लोगों के द्वारा इसे जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है घायल अवस्था में संजू कुशवाहा और जिसका इलाज चल रहा है। मतलब बाइक फिसल गई। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर के कोतवाली अंतर्गत महल रोड पर एक चाय वाले की हत्या हो गई थी। दो दिन पहले का ये मामला पूरा बताया जा रहा है और इसमें जो चाय वाले की हत्या की गई थी, तीन युवकों द्वारा इसकी हत्या की गई थी, जिसमें सफीक और गुड्डन और सालू नाम के व्यक्ति द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया था। आज एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया है और इनसे 315 बोर का कट्टा और कारतूस भी जब्त किए हैं। दो दिन पहले युवकों ने आनंद की हत्या की थी और उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसपी विनीत खन्ना के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय में पेश कर रही है। ये दिनांक 22/7/18 की घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें आनंद यादव नामक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। इसमें तीन लोगों ने एक राय होकर एक घटना को अंजाम दिया था। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। एक चाय वाला था आनंद यादव पर, जिसमें सभी गुड्डन और सालू ये तीनों से उसका झगड़ा हुआ था मामूली बात में। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। यह खबर है सटई क्षेत्र से। सटई में एक 100 डायल में एक महिला की डिलीवरी हो गई है। पूरा मामला हम आपको बता दें, मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हुई जिसमें गर्भवती महिला और उसका पति घायल हो गया था, जिसको 100 डायल पुलिस अस्पताल लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में 100 डायल में ही महिला का प्रसव हो गया। आमखेरा की निवासी भुवन आदिवासी महिला जब अस्पताल जा रही थी, उसी दौरान एक्सीडेंट में वह घायल हो गई, जिसको आशा कार्यकर्ता ने फोन 100 डायल को लगाया। इसके बाद 100 डायल जैसे ही अस्पताल ले जा रही थी, तभी रास्ते में प्रसव हो गया। 100 डायल के पायलट और आरक्षकों की सूझबूझ से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। वहीं उनको इसके बाद ही सटई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अब सभी की हालत सही है। सर, उसका मतलब पेट में दर्द है। फिर क्यों आ रही थी आप हॉस्पिटल? चेकअप करने के लिए। अच्छा, चेकअप के लिए। फिर रास्ते में क्या हुआ? फिर रास्ते में सर उसकी बहुत टकरा हुई गाड़ी से। अच्छा, दूसरी गाड़ी से टकरा। फिर क्या किया आपने? फिर हमने सर 100 नंबर में। अच्छा, फिर 100 नंबर में डिलीवरी किस जगह पे हुई अंदाज? किस गाँव के आस पास? हटवाई के बीच में। अच्छा, और दोनों सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं? माँ भी सर थे और बच्चे।
नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर लगातार नई खबरों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन में देखेंगे मौसम से जुड़ी एक खबर को। मानसून आते ही चारों तरफ हरियाली बिखरने लगती है, लेकिन मानसून के जाने के बाद लोगों को एक बार फिर एहसास होता है कि वो बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित इलाके में रह रहे हैं, जहां पेड़ों की लगातार कटाई के कारण मौसम बदतर हो चला है। लेकिन पेड़ों को जिंदा रखने के लिए और मौसम वातावरण को ठीक बनाने के लिए कुछ लोग हैं जो अपने स्तर पर लगातार वृक्षारोपण के प्रयास करते रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सुनील घुआरा। पूर्व विधायक कपूरचंद घुआरा के बेटे सुनील घुआरा पर्यावरण मित्र के रूप में जाने जाते हैं और वे लगातार पर्यावरण को शुद्ध और बेहतर बनाने के लिए पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। आने वाली 27 तारीख को यानी कि 27 जुलाई से वे एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर तक वो जाएंगे। अवार माता मंदिर से भीमकुंड मंदिर तक की ये यात्रा है, जिसमें 100 किलोमीटर के अंतर्गत तमाम गांवों में जाकर लोगों को पौधे वितरित करेंगे और गांव के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। इस यात्रा के दौरान लगभग 51,000 पौधे लगाने का एक लक्ष्य उनकी टीम के द्वारा लिया गया है। इस बात की जानकारी सुनील घुआरा ने मंगलवार को छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित कर पत्रकारों को दी। कार्ड में लेकर के हमने संदेश देने का काम किया और एक तरफ गैस सिलेंडर बनाया हुआ है, एक मरीज खड़ा किया हुआ है। मरीज एक अस्पताल के अंदर पहुंचता है, हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है, कितना भी प्रयास करेगा 100 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक तो उसको व्यय करना पड़ता है। 51,000 पौधे घर घर तक पहुँचाने का काम एवं रोपित करने का काम हमारा रहेगा। आवार माता से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और भीमकुंड में हमारी यात्रा का समापन होगा। 27 जुलाई से हमारी यात्रा प्रारंभ है और 4 अगस्त को हमारा भीमकुंड में समापन होगा। विकास के लिए निश्चित तौर से कुछ ना कुछ काम जरूरी है। विकास के साथ हम लोग लेकर के पौधारोपण करने का काम कर रहे हैं और जिस समय लेकर के यह विकास पूर्ण होगा उस समय वृक्षारोपण का पुनः अभियान चला करके और इस जगह पर भी वृक्षारोपण करने का। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। एक बार फिर छतरपुर के बाबू यानी कि लिपिक हड़ताल पर चले गए हैं। शासकीय लिपिक वर्ग कर्मचारी संगठन के बैनर तले इन कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। लिपिक वर्ग कर्मचारी संगठन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में एक आह्वान किया गया था हड़ताल का, जिसको लेकर छतरपुर के लिपिकों ने भी हड़ताल में सहभागिता दिखाई है। इन बाबुओं की सबसे बड़ी मांग वेतन विसंगति को लेकर है, जिसको लेकर सरकार के साथ इनका लंबे समय से टकराव चल रहा है। हमारी एक ही मांग है वेतन विसंगति की, जो दिनांक 1/4/81 से चली आ रही है। वेतन विसंगति जो हमारी है, हमसे जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं उनके वेतन हमसे ऊपर चली गई है और हम 81 से आज दिनांक तक जो है समय समय पर मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराते आए, किंतु आज दिनांक तक मांग पूरी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी वेतन विसंगति के संबंध में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, माननीय रमेश चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए 23 अनुशंसाएँ की हमारी वेतन विसंगति के संबंध में। उन्हीं अनुशंसाओं को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमारी जो है जायज मांगों को जायज ठहराया, किंतु आज दिनांक तक आदेश प्रसारित न होने के कारण दिनांक 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रांतीय आह्वान पर की जा रही है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 2 दिन पहले जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसके बाद सिटी कोतवाली से महल रोड तक इन आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। आरोपियों के पास से एक 315 बोर का देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपियों में सफीक खान गुड्डन ठेकेदार और वसीम उर्फ सालू शामिल हैं। इसी के साथ साथ कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर नशा करके यानी शराब पीकर वाहन चलाने वालों और ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कोतवाली प्रभारी नितिन शर्मा के निर्देशन में लगातार जारी है। ये भी ऊपर निर्देश प्राप्त हुए तो विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले रहते हैं, तेज गति से चला रहे हैं और वाहन चलाते हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए चेकिंग लगाई गई। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एनएसयूआई ने
राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से अक्षम है, तो वहीं महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं जिनको रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, और बलात्कार में प्रदेश देश में नंबर वन बना हुआ है, जो कि शर्म की बात है। इस मौके पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव नावेद खान और प्रदेश संयोजक आकाश दीक्षित भी मौजूद रहे, साथ में NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखिएगा, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में एक सरकार है, लगातार एक मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में इस बार का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त विकास किया। युवाओं के साथ और छात्र छात्राओं के साथ जिस तरीके का शोषण मध्य प्रदेश में हुआ, मुझे लगता है देश में कहीं नहीं हुआ। व्यापम के नाम पर खुली लूट हुई, मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती साधना जी खुद उसमें दोषी पाई गई, लेकिन केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल निंदा करके छोड़ दिया गया। दूसरा, मध्य प्रदेश के युवाओं से 2014 में और देश के युवाओं से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल रही है। सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ती, या तो सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता हमारे युवाओं को दे या उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए, तो आने वाले समय में अभी तो केवल ज्ञापन दिया गया। हम लोग आंदोलन करेंगे और जिस तरीके से सरकार चाहती है हम उस तरीके से उससे बात करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से दो ज्ञापन है, एक तो कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से है और दूसरा ये कांग्रेस क्या बोलते हैं NSUI की तरफ से है। तो इन दोनों ही का मौजूद ये है कि पहला तो इसमें यह है कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है इस पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पर चिंता व्यक्त की है, साथ ही साथ बेरोजगारी को घटाने और रोजगार मुहैया करवाने का शासन से आह्वान किया हुआ है। दूसरा ज्ञापन इस संबंध में है कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं इधर विगत कुछ दिनों से सुनने में आई हैं, इन पर प्रभावी रोकथाम के लिए ज्ञापन। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई की बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया गया। बिजावर तहसीलदार रामित साहू द्वारा औचक निरीक्षण में पाया गया कि यहां पर पानी की कमी से ये बच्चियां जूझ रही हैं। 100 सीटर इस छात्रावास में 4 छात्राएं बीमारी की वजह से अनुपस्थित पाई गई, तो वहीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी अनुपस्थित था। उन्होंने यहाँ साफ सफाई रखने के और पठन पाठन दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। जिसमें वार्डन, सहायक वार्डन, हम कर्मचारी उपस्थित मिले, एक स्वीपर उपस्थित है, बालिकाएं हैं, स्कूल गई हुई हैं, उनके रहने के कमरों का निरीक्षण किया, जिसमें उनके बिस्तर कुछ अव्यवस्थित रूप से पाए गए हैं और बाकी रसोई का निरीक्षण किया है, खाना तैयार हो रहा है, वार्डन द्वारा बताया गया कि। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें। कुछ और ताज़ा अपडेट और लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।